मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। भारत में प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं वन संसाधन के बारे में। सबसे पहले हम बात करें वनों के महत्व के बारे में। किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ की वन संपदा का विशेष महत्व है, क्योंकि वनों से जहाँ एक और बहुमूल्य उपयोगी लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, अनेक प्रकार की गौण उपज, जड़ी बूटियां आदि प्राप्त होती हैं, वहां दूसरी ओर वनों से पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा व्यवस्था में योगदान, रोजगार के अवसर, जलवायु पर नियंत्रण, पर्यटन केंद्रों का विकास, भूमि कटाव पर रोक, वर्षा का आकर्षण तथा बाढ़ों के नियंत्रण आदि में योगदान मिलता है। इस परिप्रेक्ष्य में वनों का महत्व बताते हुए स्वर्गीय पटेल ने कहा था कि वन प्राकृतिक वनस्पति ही नहीं राष्ट्रीय संपत्ति भी है। यदि हम राष्ट्रीय समृद्धि चाहते हैं तो वनों का उपयोग राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। नेहरू ने लिखा, उगते हुए वृक्ष को प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक बताया। भारत में वन क्षेत्र की यदि बात करें तो भारत एक विशाल राष्ट्र है, किंतु उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.87 करोड़ हेक्टर में से केवल 6.7 करोड़ हेक्टर क्षेत्र में ही वन है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 22% ही है, जबकि देश के 33% भाग में वन होना आवश्यक माना गया है। स्पष्ट है कि भारत में वनों का क्षेत्रफल आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम है। जहां विश्व में वनों का प्रति व्यक्ति औसत क्षेत्रफल 1.19 हेक्टेयर है, वहां भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र केवल 0.16 हेक्टेयर ही है। बात करें वनों के असमान वितरण की, भारत में वनों का वितरण भी भारत के सब क्षेत्रों में काफ़ी असमान है। जहां त्रिपुरा एवं जम्मू कश्मीर के 61% क्षेत्रफल में वन है, अरुणाचल में 79% क्षेत्रफल में वन है, जहां मध्य प्रदेश के 38%, महाराष्ट्र के 22% तथा राजस्थान के 11% क्षेत्रफल में ही वन है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत वनों का विकास। भारत में वनों के विकास एवं संरक्षण हेतु योजनाओं में काफ़ी प्रयास किया गया है। 6ठी योजना के अंत तक वन विकास के कार्यक्रमों पर लगभग 1186 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका था। 7वीं योजना में 1800 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान है और 8वीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 4082 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत वन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, वनों के क्षेत्र के विस्तार के लिए नए क्षेत्रों में वन लगाना आदि है। यदि हम राष्ट्रीय वन नीति 1998 की बात करें तो इसमें जो मुख्य बातें थी, 1952 की वन नीति की कमियों को दूर करने तथा भारत में पर्यावरणीय स्थिरता तथा परिवेश संतुलन हेतु भारत सरकार ने दिसंबर 1998 में नई राष्ट्रीय वन नीति घोषणा की तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भी संशोधन किया। इस नीति की मुख्य विशेषताएं जो थी वो इस प्रकार, भारत में वन क्षेत्र का विस्तार करना ताकि वहां भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% हो जाए, वन आधारित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति कच्चे माल की उपलब्धता पर ही अन्यथा अतोत्साहित करना, वन भूमि का गैर वन कार्यों के उपयोग पर नियंत्रण, टिम्बर का आयात अन्य देशों से करने पर जोर, निजी ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करना तथा उसके स्थान पर सरकारी निकायों तथा आदिवासी सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना आदि था। इस नीति की सफलता के लिए वन अग्नि नियंत्रण प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में क्रियान्वित किया। अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा आदिवासियों को जोड़ने हेतु ग्रीन कवर प्रयास व वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय वनों की समस्याएं एवं पिछड़ेपन के कारण।
जिनमें मुख्य है अपर्याप्त क्षेत्र। भारत के कुल क्षेत्रफल के केवल 22% भाग में ही वन है, जबकि कम से कम 25% भाग में वन होने चाहिए। यही कारण है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.16 हेक्टेयर ही है, जबकि रूस में 3.5 हेक्टेयर है। जहां भारत में प्रति व्यक्ति लकड़ी का वार्षिक उत्पादन 0.2 घन मीटर है, वहां अमेरिका में 1.6 घन मीटर है, जापान में 3.3 घन मीटर है। इस प्रकार भारत में वन अपर्याप्त हैं। वनों के विनाश की समस्या। भारतीय वनों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण उनका आदिवासियों, प्राकृतिक प्रकोप तथा जीव जंतुओं द्वारा विनाश करना भी है। जहां एक ओर झूमिंग खेती कृषि क्षेत्र के विस्तार अथवा जंगलों को अनियंत्रित कटाई से वनों का विनाश होता है, वहां दूसरी ओर आग, बाढ़ एवं आंधियों से वनों का विनाश होता है। यही नहीं, धुन, दीमक, कीड़े मकोड़े और पशु भी वनों की लकड़ी को खराब करते हैं। प्रतिवर्ष 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन उजाड़े जाते रहे। वनों के असमान वितरण की समस्या। भारत में वनों का वितरण काफ़ी असमान है। जहां एक ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पठारी भागों में वनों का बाहुल्य है, वहां मैदानों एवं शुष्क प्रदेशों में वनों का अभाव है। अतः है सभी क्षेत्रों में वनों का संतुलित लाभ नहीं मिल पाता। आवागमन एवं यातायात में कठिनाई। भारत में वनों के पिछड़ेपन का कारण उनमें सड़कों एवं यातायात के साधनों का नितांत अभाव है। वनों में विविधता की समस्या। भारत में जलवायु, वर्षा तथा मिट्टियों की भिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। लगभग 5000 प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियाँ होने से उनका एकीकृत विकास संभव नहीं हो पाता। वन संपदा की अज्ञानता। भारतीय वनों के पिछड़ेपन में लोगों की अज्ञानता भी महत्वपूर्ण है। वनों की विविधता, पहुँचने की समस्या तथा उनके उपयोग एवं विद्रोहन की अज्ञानता के कारण भी वनों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब धीरे धीरे वन अनुसंधान गौशाला शाला देहरादून भारतीय वनों की बहुमूल्य संपदा के बारे में लोगों को अवगत करा रही है। लकड़ी काटने के पुराने एवं अवैज्ञानिक तरीके। भारत में वनों की लकड़ी काटने के तरीके अब भी पुरातन हैं। इससे बहुत सी लकड़ी बेकार हो जाती है। लकड़ी पकाने एवं सुरक्षित रखने की समस्याएँ। भारत में जब लोगों के आवास की ही समस्या है तो लकड़ी को पकाने तथा सुरक्षित की समस्या तो और भी जटिल है। बहुत सी लकड़ी खुले आसमान के नीचे रहने से धूप, पानी, धुन एवं दीमक से नष्ट हो जाती है। वनों का दुरुपयोग। भारतीय वनों से प्राप्त लकड़ी का लगभग 10% से अधिक जलाने के काम में लिया जाता है। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण जलाने की लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण व्यावसायिक लकड़ी भी जला दी जाती है और बहुत से जंगल कोयला बनाने के लिए जला दिए जाते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं का बढ़ता प्रयोग। आज देश में लकड़ी महंगी और कम टिकाऊ होने के कारण लोगों में स्टील निर्मित फर्नीचर, किवाड़, चौखट, कुर्सी, अलमारियां, मेज़ें आदि सामान का प्रयोग बढ़ रहा है। यही नहीं, जलाने में गैस, विद्युत एवं खनिज तेल का प्रयोग बढ़ रहा है। अतः वनों के विकास का महत्व घट गया है। पर्याप्त अनुसंधान का अभाव। भारत में वनों की विविधता और व्यावसायिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वनों के अनुसंधान की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, अतः उनके उपयोग की अज्ञानता है। विकास एवं संरक्षण पर भी ध्यान नहीं दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय का अभाव। वनों से संबंधित सरकारी विभागों, कृषि, भू संरक्षण, उद्योग, पशुपालन आदि में परस्पर समन्वय का अभाव है। अतः वन विकास की एकीकृत एवं समन्वित नीति का अभाव रहा है। भ्रष्टाचार। राज्यों के वन विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जंगलों में अनाधिकृत कटाई एवं विदोहन होता है। वनों में आग से क्षति। वनों में बहुत बार भीषण आग लग जाती है। उससे घने जंगलों में काफ़ी क्षति होती है और उसको बुझाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। सरकार तथा जनता की उपेक्षा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशी सरकार ने वन विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया।
स्वतंत्र भारत की सरकार भी विभिन्न विभागों में समन्वय के अभाव और विभिन्न कार्यक्रमों में वांछित सफलता के न मिलने से वनों का वांछित गति से विकास न कर सकी। जनता भी काफ़ी उदासीन है, अतः वनों का पिछड़ापन स्वाभाविक है। अब हम बात कर रहे हैं भारत में वनों के विकास एवं सुधार के सुझाव, जिनमें वृक्षारोपण को बढ़ावा। देश में वनों के विकास एवं विस्तार हेतु गांव-गांव एवं प्रत्येक शहर में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वन महोत्सव का आयोजन, प्रतिवर्ष जुलाई में सरकारी स्तर पर वन महोत्सव राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए, जिससे लोगों को वनों के महत्व को समझाया ही नहीं जाए, वरन प्रत्येक व्यक्ति पर कम से कम 2 वृक्ष लगाने का दायित्व डाला जाए। इससे जनता में वनों के विकास के प्रति रुचि जागृत होगी। वन विनाश पर प्रभावी नियंत्रण, आदिवासियों, प्राकृतिक प्रकोपों एवं जीव जंतुओं द्वारा किए जाने वाले वन विनाश पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। परिवहन सुविधाओं का विस्तार, वनों के दुर्गम स्थानों को सस्ते एवं द्रुतगामी यातायात सुविधाओं से जोड़ने से न केवल वनों का विदोहन संभव होगा, वरन वनों से प्राप्त होने वाली उपज के बारे में ज्ञान से उनका व्यावसायिक उपयोग भी बढ़ेगा। वन अनुसंधान कार्यक्रम में तेजी, भारत में मिलने वाले विविध प्रकार की वन संपदा के समुचित एवं लाभप्रद उपयोग हेतु अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार के विभिन्न विभागों में सामंजस्य, देश में वनों से संबंधित सभी विभागों, वन विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, भू संरक्षण विभाग तथा वन अनुसंधान विभाग, इन सब में परस्पर सहयोग एवं तालमेल होना चाहिए, ताकि वन विकास एवं संरक्षण कार्यों में सामंजस्य रहे। वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरणों के प्रयोग पर बल, लकड़ी काटने के पुराने तरीकों से लकड़ी की बर्बादी ही नहीं होती वरन महंगी भी पड़ती है, अतः वनों की कटाई में वैज्ञानिक विधियों एवं उपकरणों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए सरकार को वित्त व्यवस्था भी करनी चाहिए। कृषि एवं चरागाह भूमि का निर्धारण, कृषि क्षेत्र के विस्तार एवं अनियंत्रित पशु चारणों वनों को नष्ट किया जाता है, अतः सरकार को कृषि एवं चरागाह भूमि का पूर्व निर्धारण कर देना चाहिए, ताकि वनों की अवांछित कटाई रोकी जा सके। वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था, भारत में बढ़ती जनसंख्या और जलाने के लिए लकड़ी की मांग में निरंतर वृद्धि को देखते हुए लकड़ी के स्थान पर गैस, विद्युत तथा खनिज तेल आदि का वैकल्पिक उपयोग की व्यवस्था करनी चाहिए। वन संपदा के सदुपयोग का प्रशिक्षण, वन विकास कार्यों में लगे कर्मचारियों तथा उद्योगों में लगे उत्पादकों को वन संपदा के समुचित प्रयोग तथा संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कुशल प्रशासन, वनों के विकास, विस्तार, संरक्षण एवं उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कुशल प्रशासन जरूरी है। राष्ट्रीय वन नीति में आवश्यक परिवर्तन, राष्ट्रीय वन नीति में वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन किया जाए, ताकि वनों को वांछित विकास हो सके और लकड़ी के सामान की लोकप्रियता घटाई जाए। वनों के विकास के लिए ज़रूरी है कि लोगों में लकड़ी का फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, सजावट का सामान आदि की लोकप्रियता घटाई जाए, ताकि वनों के विनाश को रोका जा सके।